कौशाम्बी जिले के कड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत शहजादपुर में, जहां की लोगों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, वहां काफ़ी कीचड़ हुआ करता था, जिसको लेके मैंने 10 माह पहले एक वीडियो बनाया। समस्या हमारी ये है, छोटे छोटे बच्चे नहीं निकल पाते, गांठी फिर पानी में आते हैं जाते हैं, बारिश होती सारा गांव के पानी इस रास्ते से आता है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या प्रयास किया इसके लिए? हमने बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ सुनाई, प्रधान नहीं करे। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि मेन रास्ता है, ये सारा आदमी आता है जाता है, ये बन जाए कायदे से। हमका समझता है कि यकाई से घूरा गायरी सब लेके आई थी, चारा पानी सब लेके जायी थी, तट्टी मैदान सब जायी थी, बहुत कीचड़ कांदी में आई थी। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हो? अब हम चाह रहे हैं कि जो बढ़िया और सीसी बन जाए हुंगा से लेके अड़न तक। वीडियो बनाने के बाद समुदाय को इकट्ठा कर मीटिंग किया, मीटिंग करने के बाद स्क्रीनिंग किया, स्क्रीनिंग करने के बाद लोगों से लिखित रूप से आवेदन लिखवा कर वीडियो को दिया गया। आवेदन देने के कई महीने बाद ये बदलाव आया कि वहाँ पहले खड़ंजा लगा ब्लॉक स्तर से, उसके बाद वहाँ जिला पंचायत स्तर से सीमेंट ईंटें लगी। किस तरह बदलाव आया बताइए? बदलाव आया है कि हम लोग मीटिंग करें और महेश सन का बुलावा, तो फिर वीडियो बनाएं, जब दिखाए गए तो ये बदलाव आया। इस रास्ते से कितने लोगों को फायदा है? फायदा तो है ये रास्ते से नहीं, 500-600 आदमी की। जैसे अब बदलाव आ गया है तो अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? हमको बहुत अच्छा लगा था, अब सब लोग आते जाते हैं खुशी से, न गिराएं न कीचड़ लगावाएं। इसमें से तो हमारे जो है ना, हमारे ग्राम प्रधान को लिखित रूप से दिया गया, इसी वजह से समस्या हल हुई। उसके अलावा हमारे महेश भाई जो है ना, वीडियो बना के क्लिपिंग की, उसके बाद ये समस्या हल हुई। जैसे महेश ने आपकी मदद किया तो इनके लिए आप क्या कहेंगे? हम इनके लिए धन्यवाद कहेंगे। मैं चाहता हूँ ऐसे ही बदलाव आते रहें और समुदाय का साथ मिलता रहे, जिससे समुदाय की समस्याएँ हल होती रहें। मैं महेश कुमार, कड़ा कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।